अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ ब्रोस्ट चिकन की, चिकन लेग ब्रोस्ट। इसे देखिएगा, ज़्यादा लंबी रेसिपी नहीं है ये। मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था चिकन को, अब इसको आगे हम बढ़ाते हैं तो देखते हैं कैसे बनती है ये रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मैंने मैदा भी ले लिया है, इसमें ओनली मैंने नमक थोड़ा सा डाला है, हाफ टी स्पून। और इसमें मैं पानी लूँगी। आइए देखते हैं कैसे बनती है रेसिपी। ये हमारा हो गया एक पीस, अब हम दूसरा लेंगे, इसको भी इसी तरह करेंगे। ठीक है, अब इसको फिर हमने पानी में डालना है, फिर हमने इसको निकाल के दोबारा से मैदे में रखना है। चिकन पे मैंने तंदूरी मसाला लगाया था, जो कि मैंने ख़ुद बनाया हुआ है घर के, होममेड, तो वही मैंने इस पर अप्लाई किया था। अगर आप लोगों को चाहिए वो मसाला, तंदूरी मसाले की रेसिपी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कहिएगा तो मैं आपको दिखा दूँगी, आपसे शेयर कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा मैं और मैदा डालूं। जिंगर भी इसी तरह बनता है, अगर आप बोनलेस चिकन का पीस, ज़्यादातर ब्रेस्ट के होते हैं वो, लेके आप इस तरह इस रेसिपी से बनाएंगे तो वो जिंगर बर्गर का काम देगा, वो बना सकते हैं आप जिंगर बर्गर। ठीक है, ये सारा लग गया है अच्छी तरह से। एक्स्ट्रा हम झाड़ देंगे, फिर पानी में डाल के, फिर पानी को भी एक्स्ट्रा को हमने निकाल देना है और फिर दोबारा इसमें करना है। आप इसे शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, या कोई मेहमान आए उनके उनके लिए स्नैक बना सकते हैं, इस तरह रोस्ट दावत वगैरह में बहुत अच्छे रहते हैं। एक दिन पहले आप इसको मसाला लगा के रख दें ताकि टाइम बचे आपका। ठीक है, ये हो गए, तीसरा भी हो गया। हमने चार पीस लिए हैं चिकन के, इसको कट लगा लीजिएगा जैसे मैंने लगाया है। इस तरह लगा लीजिएगा कट, या फिर जैसे वैसे मसाले वाली चिकन बनानी होती है तो कट लगता है, उस तरह भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गया।
अब हमारी चिकन हो गई है मैरिनेट, अब इसे हम फ्राई करते हैं। ये मैंने चारों डाल दी हैं फ्राई होने के लिए। हल्की हल्के फ्लेम पर हमने रखी है। देखिए मैं उल्टा रही हूँ, बहुत अच्छे क्रम्स बने हैं इसके। पूरा पक जाएगा तो फिर आपको दिखाऊंगी। हल्के हल्के पकेगी ताकि अंदर तक कच्ची ना रहे। पलटते हैं, अभी भी ये देखें है वाइट वाइट ना, अभी इसको एक ही साइड रहना चाहिए। तकरीबन सही है, अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, अंदर तक गल भी जाए, तो इसको हमने स्लो स्लो आंच पे पकाना है। अभी से हम निकाल रहे हैं, हो गए हैं हमारे चिकन। ठीक है, ये थोड़ा सा हम इस पर चाट मसाला डाल देंगे। ठीक है, ये हमारा मज़ेदार चिकन ब्रोस्ट तैयार हो गया। उम्मीद है आपको इसकी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। आइकॉन का बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको देखने को मिलेगी। अब मैं इसके साथ ही अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।